हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर स्मार्ट कॉल सेटिंग करनी है तो कैसे करेंगे। इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अपने फ़ोन के अंदर स्मार्ट कॉल सेटिंग कैसे करेंगे, जिन्हें आप यूज कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। आपको अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल को आंसर करने के लिए आपको बिना किसी बटन को प्रेस करिए, बिना स्क्रीन को टच करिए अपनी कॉल को आप आंसर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कॉल आ रही है तो उसको आप म्यूट भी कर सकते हैं बिना किसी बटन को प्रेस करे हुए, बिना स्क्रीन को टच करे हुए। कैसे करेंगे इसी वीडियो में बताएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग ओपन करेंगे। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन दो मिल जाता है, शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटीज़। इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन दो मिल जाता है स्मार्ट मोशन। स्मार्ट मोशन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है स्मार्ट कॉलिंग। स्मार्ट कॉलिंग में आपको यहाँ तीन ऑप्शन दो मिल जाते हैं, ऑटो आंसर, ऑटो स्विच, स्मार्ट स्विच और स्मार्ट आंसर, स्मार्ट म्यूट। सबका आपको फीचर बता देते हैं किस काम करते हैं। पहला ऑप्शन दो मिल जाता है स्मार्ट आंसर, इसे आपको ऑन कर देना है। इसे ऑन करने के मिल जाता है आपको ऑप्शन दो मिल जाता है बैन रिसीव ए कॉल पिकअप द प्लेस द फोन। ऐसे क्या होता है, जैसे आपके पास कोई कॉल आती है तो आप अपने फ़ोन को सिर्फ उठाएंगे और उठा के आपकी कॉल फ़ोन जैसे ही आपके कान के पास पहुँचाएगा तो आपकी कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। यहाँ आपको दो मिल जाता है नियर योर ईयर टू ऑटोमेटिकली पिकअप द कॉल्स, आपकी कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी जैसे ही आपका फ़ोन आपके कान के पास पहुँचता है। सेकेंड ऑप्शन मिल जाता है स्मार्ट स्विच। स्मार्ट स्विच क्या है, जैसे आपने इसे ऑन कर दिया, इसे ऑन करने से यह क्या काम करता है, जैसे आपके पास कोई कॉल आई आप अपने फ़ोन को हैंड फ्री करके बात कर रहे हैं, किसी भी बात से बात कर रहे हैं लाउड स्पीकर पर डाल के, आपको अपने लाउड स्पीकर बंद करने की याद नहीं रही तो इसी फीचर को ऑन करें तो आपका फ़ोन जैसे ही आपके कान के पास पहुँचेगा तो आपको ऑटोमेटिक स्पीकर बंद हो जाता है, हैंडसेट फोन स्विच हो जाता है रिसीवर पर, तो आपको जो हैंड फ्री है वो आपको ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। नेक्स्ट फीचर मिल जाता है आपको स्मार्ट म्यूट। स्मार्ट म्यूट से क्या है, आपको इसे म्यूट कर देना है। अगर किसी की कॉल आ रही है आपको उसे इग्नोर करना है, यूज़ नहीं करना है, रिसीव नहीं करना है, तो सिंपली आपको अपने फ़ोन को फ्लिप करके रख देना है तो आपकी वह कॉल म्यूट हो जाती है, बाकी कॉल आपकी रिजेक्ट नहीं होगी, कटेगी नहीं, म्यूट हो जाती है। तो इस प्रकार से आप अपनी इनकमिंग कॉल को आप म्यूट कर सकते हैं। ये कुछ स्मार्ट फीचर थे। अब यहाँ से आपको लिए चलते हैं फ़ोन की सेटिंग में। तो यहाँ से आप जाएंगे अपना डायलर ओपन करेंगे। डायलर ओपन करने के बाद आपको राइट साइड में थ्री डॉट मिल जाते हैं, यहाँ जाएंगे सेटिंग में। तो यहाँ से आप आ जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में पहला ऑप्शन दो मिल जाता है कॉलर आई डी एंड स्पैम, इस पर जाएंगे, इन दोनों को आपको ऑन कर देना है। ऑन करने से क्या है, जैसे आपके फ़ोन में ट्रू कॉलर की तरह ये काम करते हैं, आजके लिए आपको नाम, नंबर, स्पैम वगैरह सब कुछ बता देता है, आइडेंटिफाई बिजनेस एंड स्पैम नंबर वो आपको बता देता है, जैसे ट्रू कॉलर में काम करता है सेम वैसे। सेकंड ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपको अपनी कोई नंबर ब्लॉक करना है तो ब्लॉक नंबर पर जाएंगे, यहाँ से आप इसे ब्लॉक कर सकते हैं। अगर अननोन नंबर की कॉल ब्लॉक करनी है तो इसे ऑन कर देंगे, अननोन नंबर की सारी कॉल आपकी ब्लॉक हो जाती है। इसे आपको ऑफ करना चाहते हैं फीचर में तो इसे आप यहीं से ऑफ कर देंगे। सेकंड ऑप्शन आपको अपने फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाता है ऐड ए नंबर। ऐड ए नंबर पे आपको क्लिक कर देना और आपके पास कोई पर्सनल है, कोई प्राइवेट नंबर है वो आपको यहाँ इंटर कर देना है। इंटर करके इस प्रकार से मैं पूरा नंबर नहीं डाल रहा हूँ, सिंपल आपको एग्जाम्पल के लिए डाल के बता दिया, इस नंबर को आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसे ब्लॉक कर देंगे। इन फ्यूचर कभी इसे अनब्लॉक करना हो तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे हम कर देंगे अनब्लॉक, तो ये नंबर आपका अनब्लॉक हो जाता है। इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर एक नंबर ब्लॉक और अननोन नंबर की कॉल भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। सेकंड आपको यहाँ से बैक आ जाना है। इसके बाद आपको ऑप्शन दो मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर कॉलिंग अकाउंट। कॉलिंग अकाउंट पर जाएंगे, कॉल अकाउंट में अपनी सिम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन दो मिल जाता है, यहाँ से जाके ऑन कर लेंगे। आप अपने फ़ोन के अंदर वाईफाई कॉलिंग आप कर सकते हैं। सेकंड आपको कॉल फॉरवर्डिंग के ऑप्शन मिल जाता है। कॉल फॉरवर्डिंग की हमने वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग में आपको ऑप्शन दो मिल जाता है कॉल वेटिंग का ऑप्शन, वो आप यहाँ से इनेबल कर लेंगे अपने फ़ोन के अंदर, जो कि हमारे फ़ोन के अंदर इनेबल हो चुका है। थोड़ी देर लोडिंग करेगा, लोडिंग करने के बाद आप इसे ऑन कर लेंगे, यहाँ से आपकी कॉल वेटिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। यहाँ मिल जाती है आपको कॉल रिकॉर्डिंग। कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो इस पर जाएंगे, यहाँ मिल जाता है नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट, इसे ऑन कर देंगे, ऑलवेज रिकॉर्ड कर देंगे, तो अब आपकी वो वाली कॉल रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती है जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है, जिन्हें हम बोलते हैं अननोन नंबर की कॉल। जो नंबर आपके फ़ोन में पहले से सेव है अगर उनकी कॉल रिकॉर्ड करनी है तो आपको ऑप्शन दो मिल जाता है सेलेक्टेड नंबर, इस पे जाएंगे, इसे ऑन कर देंगे आप यहाँ से, ऑलवेज रिकॉर्ड करेंगे। चूज कॉन्टैक्ट को ऑप्शन दो मिल जाता है, इस पे क्लिक करके उस कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जिसकी भी आपको कॉल रिकॉर्ड करनी है। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप सेलेक्टेड नंबर की भी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ से आप बैक आ जाएंगे, नीचे आपको ऑप्शन दो मिल जाता है डिस्प्ले ऑप्शन में, अपने फ़ोन के अंदर जो कॉन्टैक्ट हैं उन्हें आप कैसे शो कराना चाहते हैं, नेम से, सर नेम से, फर्स्ट नेम से, लास्ट नेम से, वो आपको यहाँ ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इस प्रकार से आपसे सेट कर लेंगे। सेकंड आपको नीचे ऑप्शन दो मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर साउंड एंड वाइब्रेशन, वॉइस मेल अगर आपको किसी को करना है तो यहाँ से वॉइस मेल कर सकती हैं, इसमें से वॉइस मेल सेटअप कर लेंगे और यहाँ आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में जाके सारे साउंड देखने को मिल जाते हैं जो भी आपको चाहिए, यहाँ से यूज कर लेंगे। सेकंड ऑप्शन दो मिल जाता है कॉलर आईडी एंड अनाउंसमेंट, इस पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इसमें तीन ऑप्शन दो मिल जाते हैं, ऑलवेज,
नेवर वैन यूजिंग हैंडसेट। ये क्या काम करता है, जैसे आपके पास कोई अपने ब्लूटूथ या हैंडसेट लगा रखी है तो इसे आप इस पर ऑन कर देंगे हैंडसेट पे, तो आपको जिसकी भी कॉल या SMS आएगा तो उसका आपको फ़ोन नाम बोल के बताएगा इसकी आपको कॉल आ रही है। तो इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं यूज करना है तो आप इसे नेवर पर सेट कर देंगे। नीचे आपको मिल जाता है फ्लिप टू साइलेंट, इस पर क्या है इसे ऑन कर देंगे। इसे ऑन करने से आपके पास कोई कॉल आती है तो अपने फ़ोन को फ्लिप कर देंगे तो आपकी वह कॉल साइलेंट हो जाती है। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर इनकमिंग कॉल सेटिंग कर सकते हैं। ये थी हमारे फ़ोन की कॉल सेटिंग की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हम सब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।